हमारा तो रोज चुराते हैं। इस चीज की चिंता करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर सूर्य ये सोचने लगे कि भाई सब मेरी रोशनी चुरा रहे हैं, तो वो तो फिर रोशनी देना बंद कर दे। अगर गुरु ये सोचने लगे कि शिष्य मेरा ज्ञान चुरा रहे हैं, तो गुरु तो फिर ज्ञान देना बंद कर दे। परमात्मा ये सोचने लगे कि मेरा तो सभी कुछ चुरा रहे हैं, इतना अहंकार पाल के मनुष्य बैठा है कि आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, तो परमात्मा तो सब कुछ देना बंद कर दे। ना, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमारे साथ तो प्रतिदिन होता है। हमने तो इस पर पीछे एक वीडियो भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, हमने उसमें बोली ये बात कि अक्सर हमारे विद्यार्थी ये बात पूछते हैं कि गुरुजी, हमने भी जो है आपको देखकर कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, पर लोग एज इट इज चुरा देते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, चलो एक होता है कंटेंट चुराना, एक है कंटेंट भी चुरा लिया, टाइटल भी चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया, बस थंबनेल भी चुरा लिया, बस अपनी फोटो लगा दी उस पर और डाल दिया। अब क्योंकि वो पॉपुलर गति है भारत योग की, तो भाई लोग सर्च करते हैं और व्यूज आ रहे हैं। बट ये सोच करके हम अपना काम तो नहीं बंद कर सकते ना बेटा, कभी ये नहीं सोचना। तो हमने उसमें भी यही बात कही थी, आप में से कुछ साधकों ने देखी होगी वो वीडियो। तो उसमें एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके अपना शहद बनाती हो और मनुष्य आता है और तुम्हारा शहद चुरा के चला जाता है, तुमको उदास नहीं होता? तुम क्यों बनाती हो शहद? बोली, वो मेरी क्रिएशन जरूर चुरा सकता है, वो शहद चुरा सकता है, शहद चुराने का तरीका नहीं चुरा सकता। वो मेरी क्रिएशन चुरा सकता है, बट मेरी क्रिएटिविटी नहीं चुरा सकता। वो जो क्रक्स है वो चुरा सकता है, बट हाउ टू प्रिपेयर इट वो नहीं चुरा सकता। और ये सच भी है। वो मे भी जो तुमने कंटेंट क्रिएट किया वो कोई चुरा ले, और हो सकता है उसमें कुछ मसाला वसाला डाल के उसको जो है एडिट वेडिट करा के तुमसे बेहतर बना दे, ज्यादा व्यूज भी आ जाए, पर उसका मतलब थोड़ी ना कि तुम अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर दोगे, तुम अपनी नॉलेज खत्म कर दोगे, उस नॉलेज को लोगों में बांटना खत्म कर दोगे। नो नो। तो अगर आपको लगता है आपका कंटेंट लोग चुरा लेते हैं, आपका ज्ञान लोग चुरा लेते हैं, कितने तो शिष्य भी ऐसे होते हैं हमारे पास भी आते हैं कि वो इसीलिए आ रहे हैं, तो वो कोरियोग्राफी करने नहीं आते, वो चोरियोग्राफी करने आता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोरियोग्राफी एंड चोरियोग्राफी। तो वो चोरियोग्राफी, वो चुराते हैं बस। आजकल तो आप देखो सोशल मीडिया पे एक रील बनती है, उसी के 50 रील और बन जाती है। मजे की बात है, लोग इतने खाली हैं कि वो 50 के 50 भी देख रहे हैं। तो दैट रियली डजेंट मैटर। दूसरे अगर हमारी चीज चुरा रहे हैं या दूसरे हम वो हमारी चीज चुरा सकते हैं, बट जो क्रिएटर होता है ना, जो सृजन करता है, इसीलिए तो वो महान है। फिर चाहे वो गुरु है, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो माँ है, क्योंकि जो एक क्रिएट कर सकता है वो 1000 क्रिएट कर सकता है, वो लाखों क्रिएट कर सकता है। हमने भी गुरुदेव से एक बार ये कहा शुरू शुरू में, जब बिल्कुल यंग थे, कि गुरु जी योग मस्ती बड़ी सस्ती, मस्त रहो व्यस्त रहो, योगी बनो उपयोगी बनो, ये सब योग मजा है सजा नहीं, ये सब गुरुदेव की दिए हुए टैगलाइंस हैं। और देखो बड़े बड़े सुपरस्टार कहने, मतलब जिनको आप स्टार मानो, वो लोग भी चुराने लगे, मस्त रहो व्यस्त रहो, कितना हर किसी ने चुरा लिया। और आज से तुम 20 20 साल, 25 25 साल पुरानी गुरुदेव की वीडियोस देख लो, हमेशा मस्त रहो स्वस्थ रहो। तो हमने कहा गुरुदेव ऐसे चुरा रहे हैं, बोले क्या हो गया, हम और बना लेंगे। योग गतियां गुरुदेव ने उनका निर्माण किया। आज देखो नए नए बच्चे जो हैं योग गतियों पे छोटी छोटी रील्स बना के, विरेचन गति, काक गति, ये गति वो गति, शायद उनको खुद भी नहीं पता ये गतियां कहाँ से आई हैं। लेकिन उसका अर्थ ये थोड़े ना है कि गुरुदेव जैसे गुरु बनाना बंद कर देंगे, हम बनाना बंद कर देंगे, है ना। तो गतियों का निर्माण गुरुदेव ने किया, आज जन जन उसका पालन करा है। ऐसे ही जिसने सूर्य नमस्कार का निर्माण किया होगा, कोई पारंपरिक प्रैक्टिस थोड़ी ना सूर्य नमस्कार, आज आपको पता भी नहीं किसने किया था उसका निर्माण, लेकिन आज जन जन सूर्य नमस्कार का को कर रहे हैं। कुछ लोग तो योग को सिर्फ सूर्य नमस्कार ही समझते हैं। तो ये तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी चीज जन जन तक पहुंच रही है। आपने किस उद्देश्य से बनाया? आपने सिर्फ अपने स्वार्थ निहित, अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, या आप चाहते थे लोक कल्याण हो उस चीज से? अगर आप चाहते थे लोक कल्याण हो, तो आपकी चीज आज जन जन तक पहुंच रही है, आप खुश होइए, उससे लोक कल्याण हो रहा है। अगर आपके मन में भाव आ रहा है मेरी चीज और दूसरा चुरा रहा है, इसलिए मैं बनाना बंद कर दूं, तो ये मेरा अहंकार है और कुछ नहीं।
अहंकार से दूर रहो और बस मधुमक्खी की बात याद रखना कि वो शहद चुरा सकते हैं पर शहद बना नहीं सकते। तो बनाने की विधि तो अभी भी आपके पास है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है।